तो चलिए दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। तो यार दोस्तों, 2023 के बीच में अब एक नए स्मार्टफोन का हर कोई वेट कर रहा है कि यार नया स्मार्टफोन कब कोई लॉन्च होने वाला है। ये जो पहले फोन लॉन्च हो चुके हैं तो वो फोन के बीच में अब इंटरेस्ट रहा नहीं। तो अब जो नए स्मार्टफोन अभी लॉन्च होने वाले हैं उसका प्राइस भी कम है, बट फीचर भी ज्यादा है, प्रोसेसर बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं इस बार के नए 2023 में जो नए स्मार्टफोन आने वाले हैं। आज मैं आपके लिए वीवो का फोन लेकर आया हूँ, ये नया आने वाला है दोस्तों, और इस फोन का प्राइस क्या है, कौन से फीचर के साथ आने वाला है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इस फोन के डिजाइन की। तो दोस्तों इस फोन का जो डिजाइन है वो सैमसंग गैलेक्सी के दो फ्लिप वाला फोन है उसके जैसे कैमरे दोस्तों देखने को लगते हैं, बट इसके साथ जो एलईडी फ्लैश है जैसे रिंग लाइट होती है वैसी दोस्तों इसमें फ्लैश दी गई है। तो इस फोन में जैसे रिंग लाइट होती है वैसी दोस्तों यहां पर हमें एक फ्लैश देखने को मिलती है, मींस की थोड़े से अलग से डिजाइन के बीच में ये फ्लैश अब आ चुकी है। तो बात करते हैं इस फोन के फीचर्स की। यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस की 393 ppi के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, साथ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। सो कि पहले यार 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले हमें वीवो के फोन देखने को मिले हैं, बट अभी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वीवो कंपनी प्रोवाइड कर रही है हमें स्मार्टफोन में, लेटेस्ट स्मार्टफोन में, बट ये बहुत सही है। 90 हर्ट्ज से तो यार थोड़ा सा आगे तो बढ़े। ये फोन वैसे कैमरास के लिए तो वीवो के फोन बहुत अच्छे होते हैं, और इसमें भी कैमरा हमें 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, सो कि रिंग लाइट के स्टाइल के बीच में इसकी फ्लैश बनाई गई है, और फ्लैश दोस्तों बहुत अच्छी लगती है कैमरास के साथ में रिंग लाइट के स्टाइल के बीच में ये फ्लैश। और साथ में आप 4K में वीडियो बना पाओगे इसके बैक के रियर कैमरे से, सो कि अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा मिल रहा है साथ में, बट ये बहुत अच्छी बात है कि हम सेल्फी वगैरह के लिए या फिर रील बनाने के लिए फ्रंट का कैमरा ज्यादातर यूज करते हैं। तो अब इसमें हमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल चुका है, सो कि इसमें हम 1080 में वीडियो बना पाएंगे 60fps में, और फुल HD में वीडियो बना पाएंगे 30fps में। तो आपके लिए दोस्तों अब कैमरास के बीच में फीचर्स बहुत अच्छे मिल चुके हैं, एडिटिंग वगैरह ये कर सकते हो साथ में। तो साथ में 40mAh की दोस्तों बैटरी है, बट इसका जो चार्जर है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों इसका जो चार्जर है वो मींस की 65W से ऊपर ही जाने वाला है। तो 600 की हमारे लिए कोई सरप्राइज ही होने वाला है कि फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट मिलेगी। अगर सुपर डार्ट का चार्जर वह 65W का सुपर डार्ट का चार्जर होता है, बट उससे कई गुना ज्यादा वही हमें वाट का चार्जर मिलेगा, सो कि हमारा फोन बहुत ही जल्दी दोस्तों इस पर चार्ज होने वाला है। तो कितने वाट का यार गाइस चार्जर इसमें हमें मिल सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना कि कितने वाट का ये लॉन्च अभी कर सकता है, 65W से ऊपर जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला फोन दोस्तों 8/128 वाले वेरिएंट के बीच में आएगा 30,000 में, और 12GB रैम और 256GB वेरिएंट के बीच में जो आपको मिलेगा स्टोरेज वाला वो मिलेगा आपको 33,000 का, सो कि 3,000-4,000 का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों ये फोन के बीच में कुछ अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप वीवो को फोन पसंद करते हो तो नीचे अपनी राय जरूर देना कि वीवो के ये वाले फोन के बीच आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी आपके हिसाब से, ये बजट में ये जो फीचर्स अभी मिल रहे हैं तो ये फीचर्स दोस्तों ये बजट के बीच बिल्कुल सही है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आपको वीवो के अलावा और कौन से ब्रांड का फोन ज्यादातर दोस्तों अच्छा लगता है और ये जरूर बताना। तो नेक्स्ट दोस्तों जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके कमेंट पढ़कर, तो देखते हैं कि कौन से ब्रांड का सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, तो उसी ब्रांड के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो भी लेटेस्ट 2023 के बीच में आने वाले नए स्मार्टफोन के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो वॉच करने के थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन ऑन करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।